कोरोना के चलते जहां प्रदेश भर में मेले और त्योहारों का जहां पूर्ण प्रतिबंध था, वहीं कोरोना संक्रमण के चलते भले ही बंदिशों में ढील दी गई है, बावजूद इसके इस वर्ष धामी में दिवाली के अगले दिन पत्थर मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। लगभग 150 साल से दूसरी बार भी इस वर्ष 5 नवंबर को धामी में पत्थर मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर धामी के हलोग में पत्थरों का एक ऐसा मेला होता है जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। वर्षों से ये परंपरा दिवाली के दूसरे दिन होती है, जबकि कोरोना संक्रमण के चलते आयोजक कमेटी ने निर्णय लिया है कि इस बार भी महज कारा ही निभाई जाएगी, यानी रस्म निभाई जाएगी, जिसमें राजवंशज भद्रकाली माँ को अपना रक्त चढ़ाएंगे, जबकि इस बार एक दूसरे पर पत्थर नहीं बरसाए जाएंगे। हालांकि पूजा पाठ पहले की तरह ही होगा। इस बार रस्म अदायगी में राज परिवार सहित कुठेड़ू, जमोगी, ढगोई, जठोथी, तुनसु व खुंड परिवार के ही शामिल हो पाएंगे। इसके अलावा किसी को भी आने की अनुमति नहीं होगी। बता दें कि पहले यहाँ नर बलि दी जाती थी। धामी की रानी पति की मृत्यु पर यहाँ सती हो गई थी। रानी ने इस दौरान कहा था कि नरबलि बंद होनी चाहिए। इसके बाद से नरबलि को बंद कर दिया गया। फिर यहाँ पर पशु बलि शुरू की गई। कई दशक पहले इसे भी बंद कर दिया गया। इसके बाद पत्थर मेले को शुरू किया गया। मेले में पत्थर से लगी चोट के बाद जब किसी व्यक्ति का खून निकलता है तो उसका तिलक मंदिर में लगाया जाता है। हर साल दिवाली से अगले दिन ही इस मेले का आयोजन धामी के हलोग में किया जाता है, जबकि इस बार कोरोना के चलते पत्थरों का खेल भी बंद कर दिया गया है तथा मेले का आयोजन भी नहीं होगा। अब ये मेला क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। मान्यता है कि माता भद्रकाली वर्ष भर जहां लोगों को अच्छा स्वास्थ्य वरदान देती है, वहीं सुख समृद्धि भी लाती है, इसलिए इस मेले को शुरू किया गया था। खास बात यह है कि आजकल के युवा भी इस रीति रिवाज में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस बार भी कोरोना संकट के चलते पत्थर का मेला नहीं हो पा रहा है, जबकि अगले वर्ष कोरोना संकट टल जाए इसके बाद वे अपनी पुरानी परंपरा को फिर से निभाएंगे। धामी रियासत के टीका जगदीप सिंह का कहना है कि लगभग 150 वर्षों से यह दूसरी बार हो रहा है कि इस बार भी पत्थर का मेला नहीं मनाया जाएगा। कोरोना काल के चलते इस वर्ष भी मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत इस बार भी मेले का आयोजन नहीं होगा। इस वर्ष भी हम कारा ही यानी रस्में निभाएंगे, पूजा पाठ ही होगा, लेकिन पत्थरों का मेला कोरोना संक्रमण के कारण नहीं होगा। माता भद्रकाली के आदेशानुसार ही ये सब हो रहा है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि इस वर्ष भी मेले का आयोजन नहीं होगा और लोग दिवाली के अगले दिन न आएं। खेल का चौरा गांव में बने सती स्मारक के एक तरफ से जमोगी, दूसरी तरफ से कठेड़ू समुदाय पथराव करता है। मेले की शुरुआत राज परिवार के नरसिंह के पूजन के बाद ही होती है। ये जो हमारी लोग धामी में, धामी रियासत की जो परंपरा रही है हमारी पत्थर का खेल, तो हम हर साल अपनी परंपरा के तब से निभाते रहे हैं, तो इस बार भी हम ऐसे ही निभाएंगे। पर कोरोना काल के होते हुए कुछ पाबंदियां लगाई हुई है सरकार ने, तो उसका पालन करते हुए हमने उतना ही करना है जितनी परंपरा होगी। बाकी जो अगर कोई आता है तो अपने जिम्मेवारी पे आएगा, हमारी कोई इसकी जिम्मेवारी नहीं होगी। और ये हम अपनी परंपरा सदियों से निभाते रहे हैं। पत्थर खेल के हमारे खून है, जमोगी, जठौती और ढगोई और आगे और भी कई हैं, जमोगी भी हैं, और इस तरह की हम परंपराएं वैसे निभाते रहते हैं, क्योंकि ये एक आस्था है हमारी, धामी के लोगों की आस्था है कि जब भी यहाँ पे कोई ना कोई आपदा आती है तो इस खेल की वजह से वो आपदा धामी में नहीं आती है। तो हम यही चाहते हैं कि भाई ये हमारी परंपरा बनी रहे और इस बार हम ये खेल वैसे ही बनाएंगे जो परंपरा होती है। बाकी जो जो आएगा उसकी जिम्मेवारी अपनी होगी, हमारी कोई जिम्मेवारी होगी। हम उसमें कुछ खून जाएंगे जो सरकार के जितने भी निर्देश है उसके पालन करते हैं। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से विक्रांत बधन की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।